नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे, लेकिन भाई मलेशिया तो आसी कंट्री है, आपको पता ही है क्या स्थिति है, क्या वहां का है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई पहले अपन बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट के लिए। कोरोना की बात करें तो भाई 6000 प्लस अभी तक पॉजिटिव वहाँ पे पाए गए हैं, 6500 के करीब केस हो चुके हैं कोरोना के, उसमें से 100 से प्लस 105 के करीब डेथ अभी तक हो चुकी हैं। आज 3 मई तक की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 4400 के करीब अभी तक रिकवर कर लिए गए हैं। कोरोना अपडेट ये मैंने आपको बता दी। आगे हम बात करते हैं भाई, मलेशियन गवर्नमेंट ने आज कल की डेट में घोषणा की थी। एक साथियों गवर्नमेंट ने और अपडेट दी है कि भाई आपका वीजा जैसे है वहां पे, जनवरी की बात करें, जनवरी से लेकर अब तक जब तक लॉकडाउन रहेगा, इस दौरान 2-3 महीने में आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, DP-10 वीज़ा हो सकता है, या फिर कोई भी कैटेगरी का वीज़ा एक्सपायर हो गया, और अगर आप इंडिया अपनी कंट्री जाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो वापस आना चाहते हैं, तो लॉकडाउन ओपन होने के 14 दिन बाद अगर आप अपनी इंडिया जाते हो, अपनी कंट्री वापस जाते हो, तो आपका कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई आपको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई प्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये ठीक है, मेरे हिसाब से न्यूज़ अच्छी है कि जनवरी के बाद में, लेकिन ये नोट करें ये जनवरी से स्टार्ट हो गया, जब तक लॉकडाउन ओपन रहेगा तब तक वैलिड है, जनवरी के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी 2020 स्टार्टिंग से आप कर सकते हो, 2020 स्टार्टिंग से जितने और स्टे हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है भाई। आप झट से जैसे लॉकडाउन खुले और गवर्नमेंट ये फ्लाइट स्टार्ट कर दें, तो तुरंत से आप अगर आना चाहो तो निकल जाना, आप ब्लैक लिस्ट नहीं होगे, आपका जुर्माना नहीं लगेगा, पुलिस नहीं पकड़ेगी, ये बेनिफिट आपको हो जाएंगे। बहुत बेस्ट न्यूज़ ये मुझे लगी मलेशियन गवर्नमेंट ने दी है। लेकिन यार जनवरी के बाद तो इतने हैं नहीं, वो तो पहले के बैठे हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डेटा दिया नहीं है। देखें तो भाई मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। आगे दूसरी न्यूज़ ये निकल के आ रही है साथियों, जैसे आपका कोई भी वीज़ा, आपका कोई भी वीज़ा जैसे DP-10 हो गया, या फिर आपका बिजनेस वीज़ा हो गया, या फिर स्टूडेंट वीज़ा, शादी वाला वीज़ा, कोई भी वीज़ा अगर आपका 1 फरवरी 2020 के बाद में अब तक जब तक लॉकडाउन है तब तक अगर इस दौरान आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो आपको जब लॉकडाउन खुलेगा, जैसे अभी बोल रहे हैं 12 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा, तो हो सकता है ये अगर बढ़ जाए, तो जब लॉकडाउन खुलेगा, चाहे 12 मई को खुले चाहे 28 मई को खुले, लॉकडाउन खुलने के 1 महीने का टाइम आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, जिसमें आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं, जिसमें आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई फाइन्स, कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए सहूलियत दी गई है, 1 फरवरी से लेकर लॉकडाउन ओपन होने तक की शर्त इसमें लागू है, पहले वाली शर्त नहीं है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो ये भी मेरे हिसाब से बेस्ट न्यूज़ आप लोगों के लिए रहेगी। तीसरी न्यूज़ निकल के आ रही है साथियों कि अभी 4 मई से कुछ काम आपको पता है स्टार्ट हो रहे हैं, आप सबको पता ही होगा। बाकी 12 मई से जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, इमिग्रेशन काउंटर के जितने से वीज़ा वर्क परमिट से रिलेटेड काम है वो दोबारा रिस्टार्ट हो जाएंगे 12 मई के बाद में, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। मैन जो आपने उम्मीद लगा रखी थी कि टिकट्स या फ्लाइट्स के बारे में, देखिए मैंने शायद इंडियन गवर्नमेंट भी इतना ध्यान नहीं देती मलेशिया की तरफ, गल्फ में सब कंट्रियों को मतलब एम्बेसियों को नोटिस दे दिया गया है, सबकी तरफ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट एकदम एक्टिव है, फ्लाइट्स की तैयारी चल रही है, लेकिन मलेशिया का कोई अपडेट मेरे पास भी नहीं आ रहा है। मैंने पूरा नेट छान मारा, सब कुछ एम्बेसी में, ट्विटर पे, सब जगह पूरी इंक्वायरी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे मलेशिया एम्बेसी का जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म है वो नहीं मिला। अगर आपके पास कोई मिलता है तो भाई मुझे भी व्हाट्सअप करना, ताकि लोगों तक पहुँचाएँ। जो और गल्फ में बोल गवर्नमेंट ने बोल रखा ना भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना बायोडाटा करके भेजो, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड आ सके आप इंडिया आना चाहते हो, लेकिन मलेशिया एम्बेसी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि भाई ये आप फॉर्म है, इंडिया जो जाना चाहते हैं वो फॉर्म भर के हमें सबमिट करें, फिर हम गवर्नमेंट को डाटा भेजेंगे, उसके हिसाब से फ्लाइट्स की तैयारी हो सके। कोई मेरे पास अपडेट नहीं है, अगर आपको कोई फॉर्म मिल जाता है एम्बेसी की तरफ से तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए, ताकि और लोगों तक पहुँचाऊँ। बाकी मलेशिया भी आपको पता है ढिलम ढिली सरकार है भाई, हो सकता है कि इंडियन अब मलेशिया एम्बेसी पे प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा, तो इधर भी फिर आपको पता है आपको कि जब तक प्रेशर नहीं पड़ता तब तक लोग ध्यान क्यों देंगे। तो आप एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करें कि भाई आप इंडिया कब तक, उनका जो गल्फ के साथ परफॉर्मेंस चल रहा है वो मलेशिया के साथ कब चलेगा, अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट करें, वो आपको सही बताएंगे।
करेंगे। आगे जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब तक कोई अपडेट मेरे पास आई नहीं है, लेकिन ये तय है जल्द ही स्टार्ट अभी हो जाएगा एक दो दिन में। तो भाई देखिए, ये तो है नहीं गलत गलत की कंट्री मलेशिया का भी बंदों को निकालेगी, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो आप थोड़ा सा धीरज रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ समाधान होगा जो इंडिया आना चाहते हैं। जैसे ही अपडेट आती है फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ ये बातें शेयर करूंगा। ये बातें आप अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।